Hello guys, welcome back to our channel Learn with Nishman. As you know, in last video we completed section 167 clause 1 and section 57. For a revision, I'll tell you, dekhi bache, section 57 CRPC kya kehta hai, when a person is arrested without warrant, then police officer shall produce such accused before judicial magistrate within 24 hours from the time of arrest. जर्नी को लाने ले जाने का जो भी टाइम है वो एक्सक्लूड करके, बियॉन्ड 24 आवर्स जनरली सिर्फ आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते हैं, बट इफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इज देयर तो आप कर सकते हैं. आर्टिकल 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें देता है. आर्टिकल 22 सर्टेन सेफ गार्ड्स बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूज्ड. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई है उसी को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन हमें सेक्शन 57 सीआरपीसी में दिया गया. हमने ये किया लास्ट में, जो हमने 57 सेक्शन किया है सीआरपीसी का वो कहीं ना कहीं किसको रिकॉग्नाइज करता है, हमारे आर्टिकल 21 एंड 22 को. आपका केस था बच्चे एक वेरी इंपॉर्टेंट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये बोला गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज गिवन इन आर्टिकल 21 एंड 22 कैन बी कर्टेल्ड ओनली थ्रू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच मस्ट बी फेयर राइट एंड ओनली अप टू 24 आवर्स मैक्सिमम. इससे ज्यादा अगर किसी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रखना है तो उसका प्रोसीजर इज गिवन इन सेक्शन 167, है ना, विच सेज दैट अक्यूज शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कंसर्न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ओनली विद द परमिशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही कैन डिटेन सच अक्यूज फॉर मोर देन 24 आवर्स. अब जो सेक्शन 167 है, इट सेज व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम ऑफ 24 आवर्स विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 57 एंड पुलिस ऑफिसर थिंक्स दैट देयर इज अ सब्सटेंस इन दैट केस एंड ही वॉन्ट टू डिटेन सच अक्यूज्ड person, then he shall produced before judicial magistrate for the purpose of detention. ठीक है, एक बार उसको judicial magistrate के सामने पेश जरूर करना पड़ेगा and वो detention साथ में क्या produce करेगा, case diary, and at the same time he also submits a remand form in which he specifies the reason कि क्यों वह accused को दोबारा से remand पर लेना चाहते हैं. राइट बच्चे, नाउ अब ये डिस्क्रिशन होती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, इफ ही सेटिस्फाइड विद द रीजंस ऑफ पुलिस ऑफिसर कि हाँ फर्दर इन्वेस्टिगेशन का टाइम अभी इनको चाहिए, देन ही कैन अलाउ द रिमांड. अगर वे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और इधर वो क्या करेंगे, जुडिशियल रिमांड दे देंगे या फिर पुलिस रिमांड दे देंगे, डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज. राइट, नाउ वी विल डिस्कस टूडे 167 क्लोज 2. क्लोज 2 क्या कहते हैं बच्चे, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन. अब यहां पर है मैजिस्ट्रेट टू हुम प्रोड्यूस्ड, ज्यूरिसडिक्शन किस में होगी, ऑथोराइज डिटेंशन कब होती है, हमने क्या पढ़ा था, एफआईआर है. ओके, यहां पर उसको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट के विद इन 24 आवर्स यहां पर वो क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ओके, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट हो ना हो ये मैटर नहीं रखता है, ही कैन सेंड द एक्यूज टू ईदर ऑफ द कस्टडी, किसी भी कस्टडी में भेज सकता है. ओके बच्चे, अब उसके आगे प्रोसीजर क्या है, अगर एक और चीज ध्यान में रखना बच्चे, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो हम किसी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इवन बिफोर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑल्सो, बट उनकी रिमांड देने की पावर थोड़ी कम होती है, उनके रिमांड देने की पावर 7 डेज होती है मैक्सिमम. ओके, सो पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड की मैंने बात करी, ठीक है, वो पुलिस रिमांड पर भी भेज सकते हैं या फिर जुडिशियल रिमांड पर भी भेज सकते हैं. राइट, पुलिस रिमांड इसमें जब एक्यूज्ड भेजा जाता है तो वह लॉकअप में रहता है, यहां पर पुलिस का कंट्रोल होता है, रिमेंबर दैट. जुडिशियल रिमांड में क्या है, इसमें जब एक्यूज्ड भेजा जाता है तो वो एक जिला कारागार जिसको हम बोलते हैं उसमें रहता है. राइट, न्यायालय जेल. ओके, जुडिशियल कस्टडी जिसको हम कहते हैं, यहां पर पुलिस का कोई रोल नहीं होता. एंड रिमेंबर दैट मैक्सिमम टाइम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन ग्रांट अ डिटेंशन इज फॉर 15 डेज फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर फर्स्ट टाइम एक्यूज प्रोड्यूस किया गया है तो वो मेजर 15 डेज की रिमांड दे सकता है, कि 15 डेज और फर्दर ग्रांट कर सकता है.
the day when produced and investigation continuing, the judicial magistrate can give either judicial custody, I told you, or police custody. If remand report filed, then have to justify as why a police custody is demanded. Court may grant and crime jo based hai in person knowledge, then police custody is given. If personalized and investigation can reveal, then grant remand. Agar aapko lagta hai ki yes it's required, to aap remand de sakte hain. If heinous or motive element or discovery, then police custody can be granted for initial 15 days. Right bache, 15 days ke liye hoti hai police custody, right? Plus application टाइम लगता है. सो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन पुलिस ऑफिसर इफ द एक्यूज्ड अप्लाइड फॉर बेल और रिमांड एप्लीकेशन. ओके, ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको प्रूफ देना पड़ता है कि एक्यूज्ड ने बेल के लिए अप्लाई किया है कि नहीं. अब एक और चीज बचे, इट मे बी पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड, आई टोल्ड यू. ओके, अब ऑफ बोथ, दोनों भी हो सकती हैं, मिक्स भी हो सकती हैं, पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड मिक्स भी हो सकती है. मिक्स कैसे, कुछ दिन पुलिस रिमांड और कुछ दिन जुडिशियल रिमांड. क्या ये जो 15 डेज का टाइम है इसकी एक्सपायरी के बाद भी फर्दर डिटेंशन की जा सकती है, क्या इसकी पावर है मजिस्ट्रेट के पास? द आंसर इज येस. इट हैज देन टू कैटेगरीज फर्दर. अगर आपको आफ्टर 15 डेज भी टाइम चाहिए तो उसकी भी दो कैटेगरी है. क्या क्या? फर्स्ट, इफ द ऑफेंस इन विच द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट इज फॉर 10 ईयर्स और मोर, मतलब कि हीनियस क्राइम ही है जिसको पनिशमेंट 10 ईयर्स से ज्यादा ही होगी, या फिर डेथ हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ऐसे केस दो तरीके के होते हैं ना, या फिर वो केस ऐसा है कि इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल लेस देन 10 ईयर्स. तो दोनों केसेस में क्या होगा, यहां पर मैक्सिमम लिमिट डिटेंशन ग्रांट इज 90 डेज. ओके, यहां पर आप 90 डेज फर्दर दे सकते हैं डिटेंशन के. ओके, इंक्लूडिंग 15 डेज ऑफ इनिशियल कस्टडी, जो ये 15 डेज थे इसमें, इसका मतलब रिमेनिंग कितने रह गए, 75 डेज. और यहां पर क्या है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिटेंशन इज 60 डेज, यहां पर आप 60 डेज दे सकते हैं. इसमें इंक्लूडेड ऑलरेडी है 15 डेज, मतलब आपके पास रिमेनिंग है 45 डेज. समझ में आ रहा है बच्चे कंसेप्ट? ओके, सो अगर पुलिस को 15 डेज के बाद भी एक्यूज्ड को कस्टडी में लेना है तो दे हैव टू प्रोड्यूस हिम बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट 15 डेज. नाउ इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद मोर देन 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट कैटेगरी, एंड पुलिस ऑफिसर स्टिल थिंक्स दैट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 90 डेज. ओके, 90 डेज में भी कंप्लीट नहीं हो रही है. ओके, तो आप ये कस्टडी ले सकते हैं. सेकंड क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर इफ स्टिल थिंक्स दैट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 60 डेज, तो क्या होता है, देन द एक्यूज्ड ऑटोमेटिकली गेट्स अ राइट ऑफ रिलीज टू बेल. ओके, उसके पास राइट मिल जाएगा कि वो बेल का राइट इंजॉय कर सकता है. अगर पुलिस से विद इन 90 डेज एंड विद इन 60 डेज भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो, राइट, या पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई है, उसने चार्जशीट नहीं लगाई है या चालान नहीं हो पाया है, तो एक्यूज्ड बेल पर जा सकता है. राइट बच्चे, एग्जाम्पल है केस ऑफ मर्डर, दैट इज कैटेगरी वन, यही आता है ना मर्डर. पुलिस से इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज में नहीं हो पाई, बट इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है. वैसे तो देखा जाए मर्डर का नॉन बेलेबल ऑफेंस है, स्टिल देन दैट नॉन बेलेबल ऑफेंस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू बेलेबल ऑफेंस बिकॉज द एक्यूज्ड कैन नाउ क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट. ये उसका राइट है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर लॉज, वेयर हम किसी के भी राइट्स को इतना हार्म नहीं कर सकते हैं कि विदाउट अननेसेसरी डिले हम किसी को डिटेन करें, उसके राइट्स को कन्फाइन करें. दैट्स नॉट द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आया बच्चे? तो ये कंसेप्ट है. दीज 90-60 डेज आर इंक्लूसिव ऑफ द 15 डेज कस्टडी ग्रांटेड इनिशियली, ये मान के चलिए. राइट, सो 167 में व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ग्रांट कस्टडी, कितने दिन दे सकते हैं, 90 और 60 डेज एज डिपेंड अपॉन द कैसा ऑफेंस है. ओके, एक्यूज्ड हैज राइट टू बेल इफ चार्जशीट फाइल्ड इंक्वायरी स्टार्ट्स सेक्शन 309 कम्स इनटू प्ले.
ओके ग्रांट कस्टडी एल्स ग्रांट डिफॉल्ट बेल, उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी. राइट बच्चे, जैसे 90 डेज थे, ऑन 95th डे चार्जशीट फाइल करी, सो देन फॉर दोज 5 डेज, जो 90 से 95 तक जो 5 दिन थे, अंडर व्हाट पावर ही इज कन्फाइंड, आपको कौन सी पावर थी आपने उसको कन्फाइंड रखा. सो एज एंड वेन 90 डेज आर ओवर ही विल बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड बेल बोंड फर्निश्ड. If still he is not released, then these 5 days are illegal. Illegal माने जाएंगे, आप उसको किसी भी basis, without any basis, detain नहीं कर सकते हैं. समझ में आ रहा बच्चे? Okay, हमारा एक केस है, very landmark judgment, that is state of West Bengal versus Dinesh Dalmia. राइट 2007 का केस है. इसमें इशू क्या था, इन अ केस देयर इज एन एफआईआर अगेंस्ट एक्यूज्ड, ही देन सरेंडर इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सेंट टू जुडिशियल कस्टडी फॉर द पीरियड ऑफ 20 डेज एंड एक्सटेंड्स टू 90 डेज. ओके, इफ ही फर्निशेस बेल विल ही गेट इट? Answer is no, because 167 itself says that there should be an arrest as required by section 167 clause 1. Okay. तो सिंस द 20 डेज वॉज नॉट आफ्टर प्रोडक्शन, सो 167 क्लोज टू इट सेल्फ डजेंट अप्लाई, शुड बी काउंटेड वेन प्रोड्यूस्ड. ओके, सो इसमें क्या केस था, द इशू इन दिस केस वॉज दैट इफ द एक्यूज हिमसेल्फ सरेंडर्स बिफोर मैजिस्ट्रेट एंड देन ही इज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, विल दीज 15 डेज या 60 डेज 90 डेज पीरियड स्टार्ट बींग काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच सरेंडर. सो द कोर्ट हेल्ड दैट For section 167, it is essential that in clause 1, accused was produced before magistrate by police officer. Police officer द्वारा ही उसको produce किया गया हो. Thus, unless the production was done by police officer, there cannot be applicability of this section. And therefore, the counting of the period will not start. In such a case, the police officer can obtain production warrant from magistrate. पहले वो production warrant लेगा and कैन प्रोड्यूस द एक्यूज बिफोर मैजिस्ट्रेट अपॉन विच फिर वो डेज स्टार्ट होंगे बच्चे. ओके, सो आपको क्या ध्यान में रखना है कि पुलिस ऑफिसर द्वारा प्रोड्यूस किए जाने पर ही डेज काउंट होते हैं. राइट, सो इफ ए हैज टू एफ आई आर अगेंस्ट हिम, मान के चलिए एफ आई आर, एक और एग्जाम्पल केस देती हूँ कि एक पर्सन ए है, उसके अगेंस्ट दो एफ आई आर हैं. ही इज ऑलरेडी अंडर पुलिस कस्टडी इन वन केस, so he cannot be produced for the custody in another case, right? He can only be produced, only judicial custody हो सकती है, police custody तो दो case में same नहीं मिल सकती. so if the accused is on police remand in one case, then through a production warrant he cannot at the same time be sent for the police remand in some other case. it is only after the police remand period in that case gets over and he is sent to judicial custody that now through production warrant he can be produced to another magistrate and police remand for the other case that can be granted. ठीक है बच्चे, तो ये ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यू कर लें और उसको दो केसेस में चलता रहे, ऐसे नहीं होता. ओके, सो अ पर्सन विल हैव टू फर्निश बेल टू गेट बेल टू हैव अ प्रूफ द एक्यूज्ड वाज प्रेजेंट वन गिवन रिमांड. There should be a sign of the accused. If he is not physically present, he could be produced through an audio-video linkage. Okay? If there is a woman less than 18 years, she will be taken to the remand home or a social institution. Investigation stage pe magistrate cannot give order of custody to fill in the vacuum of interrogation. Accused can be given further custody of the remaining days. Ye humne days isme padh liye. So that's the very राइट थिंग हमने जो पढ़े हैं. आप दिनेश दलमिया वाला केस ये पढ़िए, दिनेश दलमिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. एक संजय दत्त केस भी है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1994 का, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो. राइट नाउ कीप रीडिंग दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको रीड कीजिए. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 309. ओके, चार्जशीट कैसे अप्लाई होती है और उसका यूज कैसे होता है. ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू.